नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सेवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो वैकेंसीज निकली हैं ग्रुप सी की, उसके बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए इस भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी दूंगा। ये बिल्कुल अपडेटेड न्यूज होगी दोस्तों आपके लिए। आप खुद देख सकते हैं कि मैं इस समय ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, UPPCL यानी कि दोस्तों उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जहां पर दोस्तों आप सबसे ऊपर देख रहे होंगे सीरियल नंबर 1 पर ऑर्डर नंबर ये है। सब्जेक्ट है आपका अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल इलेक्ट्रिकल अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/VSA/2020/Technician Electrical। ठीक है, तो इसके बारे में जो भी दोस्तों डिटेल होगी मैं आपके लिए पूरा बताऊंगा कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, या आपसे कोई डिप्लोमा मांगा जाएगा, या फिर आप सीधे भर्ती हो जाएंगे, या फिर मतलब आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, जो भी है मैं आपके लिए यहाँ पर पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल सेवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे हम अगर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये पेज खुलकर आ गया है। इसमें देख सकते हैं दोस्तों आप, इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई हैं। डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन 1 जुलाई 2020 से 22 जुलाई 2020। डेट ऑफ सबमिशन द फी थ्रू नेट बैंकिंग ऑब्लिक क्रेडिट कार्ड ऑब्लिक डेबिट कार्ड एटसेट्रा 1 जुलाई 2020 से 22 जुलाई 2020 के बीच में आपके लिए अपना जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और आपके लिए एग्जाम फी भी पेमेंट करनी है। ठीक है, उसके बाद में है दोस्तों डेट ऑफ सबमिटिंग द फी थ्रू SBI चालान, लास्ट डेट टू डाउनलोड चालान इज 22 जुलाई 2020। ठीक है, तो सेम जुलाई है दोस्तों। अगर आप SBI चालान के थ्रू अपनी जो एग्जामिनेशन फी है उसको आप अगर पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी जो डेट है दोस्तों वो 2 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, यहाँ पर 24 जुलाई 2020। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपके लिए दोस्तों अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले एक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो दिखा देना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड SLDC परिसर निकट मंत्री आवास विभूति खंड फेज 2 गोमती नगर लखनऊ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये भर्ती निकली हुई है, आप साफ साफ देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत समूह गा की रिक्तियों हेतु सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षा CVT के द्वारा तकनीशियन विद्युत हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पद का नाम है तकनीशियन विद्युत, अनारक्षित के लिए 245 पोस्ट होंगी यहाँ पर, और OBC के लिए 164, अनुसूचित जाति के लिए 127 और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 12 और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 60। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपकी वैकेंसीज की डिटेल होगी। अभी मैं आपके लिए लेके चलता हूँ सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा इसके बारे में। तो आप सबसे ऊपर देख सकते हैं हम इस समय सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, और यहाँ पर सबसे ऊपर है UPPCL टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ऑनलाइन फॉर्म 2020। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अगर, तो आप देखेंगे आपके सामने ये पूरा पेज जो है वो खुलकर सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 1 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में आपको आवेदन करना है। एप्लीकेशन फीस होगी जनरल OBC और अदर स्टेट के लिए 1000 और SC ST के लिए होगी दोस्तों 700 रुपये। ठीक है, एज लिमिट होगी दोस्तों आपकी 1/1/2020 के लिए 18 से 40 साल के बीच में। अगर आप 18 से 40 साल के बीच में हैं तो आपकी एज लिमिट 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए 1/1/2020 के लिए। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको पोस्ट नेम और जो भी पद है वो बता चुका हूँ। पोस्ट नेम है दोस्तों टेक्निकल इलेक्ट्रिकल, जनरल के लिए 245 पोस्ट है, OBC के लिए 164, EWS के लिए 60, SC के लिए 127 और ST के लिए 12 और टोटल है यहाँ पे 608। यहाँ पर दोस्तों आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होगी वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम विद साइंस मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट विद ITI
ऑब्लिक एनसीबीटी सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो आपके लिए दोस्तों इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए 10th पास होना जरूरी है, उसके बाद में आपके पास में साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है विद आईटीआई। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल से आपने आईटीआई की होनी चाहिए, आपके पास में 10th आप 10th पास होना चाहिए और आपके पास में साइंस और मैथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये है दोस्तों इस भर्ती की डिटेल जो कि मैं आपको पूरा बता चुका हूँ। आप यहाँ से जाके इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, इसकी नोटिफिकेशन जो ये है यहीं से मैंने डाउनलोड की है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ये फॉर्म फिलअप कैसे करना है ये वीडियो में आपके लिए कल बताऊंगा, जिसमें आपके लिए पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपके लिए ये जो फॉर्म है 3 स्टेप में जो भरा जाएगा, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट फीस और रिव्यू एंड फाइनल सबमिटिंग, ठीक है। तो तीनों स्टेप जो है मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपको फॉर्म पूरा भरवा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।